अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि ये हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अब एक चीज हम बता देते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है और एक फंक्शन जी ये भी कंटिन्यूअस है तो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। ये चीज हमेशा ट्रू है, इनका मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन कंपोजिशन सब कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, दूसरा फंक्शन लिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं कि ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये भी कंटिन्यूअस है। अब यहां पे अगर हम इनका कंपोजिशन निकालें एफ ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन एफ में जहां पर एक्स आएगा वहां पे हम जी एक्स रख देंगे, तो ये फंक्शन एफ जो है वो हमारा क्या है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस जी एक्स, क्योंकि जहां पर एक्स था वहां पर हमने जी एक्स रख दिया, और जी एक्स हमारा क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि f भी कंटिन्यूअस था, g भी कंटिन्यूअस था, और f ऑफ g भी कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस। ये तो एक तरीका हो गया हमारा। दूसरा हमारा तरीका है इसकी डेफिनेशन से निकालना, तो डेफिनेशन से तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो वो कैसे हम लोग देखते हैं, वो होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ए हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हमने लिमिट ली एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि कॉस एक्स स्क्वायर किसी भी रियल नंबर के लिए फेल नहीं करता है, इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर के, ठीक है, और एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर एक्स की जगह पर ए रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर। This implies that limit x tends to a f of x is equal to f of a. This implies that f is continuous. यही हमारा आंसर हो जाएगा।